सो वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि आप स्टेबल डिफ्यूजन को सेजमेका स्टूडियो लैब पे कैसे रन कर सकते हैं। मेक श्योर जीपीयू रन टाइम सिलेक्ट हो आपका और इसे हम ओपन प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे आके आपको इस जिप फाइल को डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक वीडियो के पिन कमेंट में मिल जाएगा आपको। और आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना है, जो आपने अभी डाउनलोड किया उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना। एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसके अंदर जितने भी कंटेंट मिलेंगे आपको उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो या अपलोड भी कर सकते हो। मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। देन आपको टर्मिनल ओपन करना है। पहले sh conda update conda डॉट sh इसे रन करना है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया है इसलिए मेरा थोड़ा जल्दी हो जाएगा। सो जब ये हो जाए फिर आपको क्या करना है, आपको इस रन टाइम को रीस्टार्ट करना है, मतलब आपको सेजमेका स्टूडियो लैब को बंद करके दोबारा से चालू करना है। सो चलो बंद करके चालू करते हैं। स्टॉप रन टाइम एंड देन स्टार्ट रन टाइम। मेक श्योर जीपीयू आप सिलेक्ट करके हो। देन हमारा रन टाइम स्टार्ट हो चुका है। देन ओपन प्रोजेक्ट। अब उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है। देन आपको ये फर्स्ट सेल को रन करना है। ये भी इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया है 8x फास्ट फॉरवर्ड किया है इसलिए मेरा जल्दी हो जाएगा। आपको यहाँ पे वेट करना है जब तक यहाँ पे ये डन लिखा ना आ जाए, तब तक आपको वेट करना है। सो डन लिखा आ गया। अब देन सेकेंड सेल को रन करेंगे। अब इसे हम अपना ngrok auth token देंगे। सो ngrok की वेबसाइट पे जाके आप लॉगिन करके अपना auth token को कॉपी करके इधर पेस्ट कर देना। मैं इसमें जल्दी zork का भी यूज़ करूँगा, ngrok का इसमें हटा दूँगा मैं जल्दी। अब आपसे पूछेगा 1 and 2, 1 for CPU and 2 for GPU। अगर आप GPU का यूज़ करें तो 2 सिलेक्ट करके 2 सिलेक्ट करें, अगर CPU यूज़ करें तो 1 सिलेक्ट करें। देन अभी इंस्टॉलिंग रिक्वायरमेंट्स, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। सो आप हमें इसको रीस्टार्ट करना है तो यहाँ से आप इसे रीस्टार्ट कर देना। मैंने रीस्टार्ट कर दिया। अब अगेन हमें इस सेकंड वाले सेल को स्टार्ट करेंगे। आपको कभी भी सेजमेकर को रन करोगे तो आपको सेकंड वाला सेल ही स्टार्ट करना है, फर्स्ट वाला सिर्फ एक ही बार रन करना है। देन अपना auth token अगेन आपको देना पड़ेगा इसको, और रन टाइम हमारा GPU है तो 2 सिलेक्ट करेंगे। इसमें आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, यहाँ पे टाइम लगता है।
आप इसको इग्नोर करना क्योंकि ये अभी टॉर्च वर्जन इनकम्पैटिबल है, इसके लिए ऐसा वार्निंग आ रहा है। सो हमारा वेब यूआई रनिंग में है, अब हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे, देन विजिट साइट। आप देख सकते हैं हमारा स्टेबल डिफ्यूजन का वेब यूआई ओपन हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ सिर्फ अभी एक ही वो चेक पॉइंट इंस्टॉल है। आप चाहो तो इसको चेक पॉइंट्स को इंस्टॉल भी कर सकते हो। सो मैं आपको बताता हूँ चेक पॉइंट्स को कैसे इंस्टॉल करना। आपको यहाँ आके, यहाँ आने के बाद नया टर्मिनल को ओपन कर लेना है, देन आपको चेक पॉइंट्स इंस्टॉल डॉट एस एच इसे रन करना है। एस एच चेक पॉइंट इंस्टॉल डॉट एस एच इसे रन करना है। ये क्या करेगा, ये चेक पॉइंट्स को इंस्टॉल कर देगा। जब आप इसे रन करोगे तो ये आपसे चेक पॉइंट की लिंक मांगेगा। तो मेरे पास अभी एक चेक पॉइंट की लिंक है रियलिस्टिक विजन V5 की, ये स्टेबल डिफ्यूजन का बेस मॉडल होता है, तो उसकी लिंक है। तो मैं इसे यही लिंक दे देता हूँ। अब ये क्या करेगा, हगिंग फेस से उसे डाउनलोड कर देगा। आप चाहो तो शेविट AI से भी इसे, शेविट AI की भी लिंक दे सकते हो। सो हमारा वो हो चुका है। अब हमें इसका फाइल नेम देना है। आप कुछ भी दे सकते हैं फाइल नेम, मैं दे देता हूँ रियलिस्टिक विजन V5। मैंने ये नाम दे दिया इसको। अब हम एंटर हिट करेंगे। चेक पॉइंट हमारा अभी इंस्टॉल हो चुका है। आप जाके वेब UI पे इसको रिफ्रेश करके देख सकते हैं हमारा चेक पॉइंट आ चुका है इधर। अब मैं इसका यूज़ करके एक इमेज जनरेट करके देख लेता हूँ। मैं एक रोज़ की इमेज जनरेट करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी इमेज जनरेट हो रही है इधर। देख सकते हैं हमारी इमेज लगभग जनरेट हो चुकी है। सो अगर आपको इसके अंदर लोरा को भी अगर इंस्टॉल करना है तो उसके लिए भी सेम स्टेप रहता है। तो मैं आपको एक लोरा मॉडल भी इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। आपको सेम अगेन वही प्रोसेस फॉलो करना है, sh लोरा इंस्टॉल डॉट sh इसे रन करना है। फिर आपसे ये लिंक मांगेगा, आप शेविट AI पे जाके अपना लोरा मॉडल को सिलेक्ट कर लेना। मैं ये वाला लोरा मॉडल सिलेक्ट करता हूँ, आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ। सो आपको यहाँ पे कॉपी लिंक एड्रेस इसे कॉपी करना है, देन आपको स्टेज मेकर पे आके इसे पेस्ट कर देना है। देन ये क्या करेगा, डाउनलोड कर देगा इस मॉडल को। अब आपसे पूछेगा नाम क्या देना है इसे, तो मैं इसका आइस दे देता हूँ क्योंकि ये आइस वाला मॉडल है। तो ये हमारा डाउनलोड हो चुका है। अब लोरा के सेक्शन में जाके ये आपको देख सकते हो, बस इसको एक बार रिफ्रेश कर देना। अगर आपको रिफ्रेश करने के बाद भी नहीं दिख रहा है तो उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद एक्स्ट्रा नेटवर्क्स में जाने के बाद ऑलवेज शो नेटवर्क्स ऑन लोरा पेज इसे चेक करके अप्लाई सेटिंग्स पे क्लिक करना है। देन आपको वेब UI को अगेन स्टार्ट करना पड़ेगा स्टॉप करके। सो मैं स्टॉप करके अगेन स्टार्ट कर देता हूँ। अगेन स्टार्ट करने के लिए सेम स्टेप फॉलो करना है। आप कभी भी स्टेबल डिफ्यूजन को जब रन करना हो तो अब आपको सेकंड सेल ही रन करना है। फर्स्ट सेल और वो कोंडा इंस्टॉल डॉट एस एच बार बार आपको रन नहीं करना है। देन क्लिक विजिट साइट। आप
देख सकते हैं हमारा वेब यूआई ओपन हो रहा है। अब हम जाएंगे लोरा के सेक्शन में, देख सकते हैं लोरा के सेक्शन में अपना आइस वाला मॉडल आ चुका है। सो आप इसका यूज़ भी कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि अगर आप इसको आप इसको स्टॉप करके अगेन स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, देन रन टाइम को अगेन मैं स्टार्ट करके आपको बता देता हूँ कि ये कैसे करेंगे। फर्स्ट आपको जुपिटर लैब को ओपन होने देना है, देन आपको ना सेकंड सेल को ही रन करना है, सेकंड सेल को स्टार्ट कर देना, एनजी रॉक का तो ओथ टोकन दे देना। ओथ टोकन देने के बाद आप रन टाइम सेलेक्ट कर लेना, मैं जीपीयू सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरा जीपीयू रन टाइम है। आप सीपीयू पे भी इसको यूज़ कर सकते हो, बट सीपीयू में आपको बेटर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, मतलब फास्ट नहीं रहता है सीपीयू उतना, यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब आप स्टार्ट करोगे कम से कम 30-40 seconds तक आपको वेट करना पड़ेगा। जब ये आ जाएगा तो कभी कभार रीस्टार्ट का आता है, तो आपको ऊपर से रीस्टार्ट कर लेना है एक बार। मैं फोर्थ पिन डाल देता हूँ और रन टाइम अगेन सेलेक्ट करके अब ये हमारा वेब यूआई रीस्टार्ट हो जाएगा। अभी ये पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं है क्योंकि अभी ये लोकली रन नहीं हो रहा है। नाउ आप देख सकते हैं हमारा अब ये लोकली रन हो रहा है। देन अब एनजी रॉक पब्लिक यूआरएल पे क्लिक करेंगे। इस पब्लिक यूआरएल पे क्लिक करने के बाद विजिट साइट, देन आपका वेब यूआई ओपन हो गया है। आप देख सकते हैं आपका मॉडल्स और चेक पॉइंट्स इसके अंदर इंस्टॉल्ड है पहले से ही, आपको बार बार इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। सो आपको अगर स्टोरेज चेक करनी है कि कितनी अवेलेबल है तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, और इसको रन करके भी चेक कर सकते हैं। ये स्टोरेज को बता देगा कि फ्री है, अगर नहीं है तो आप सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं इससे। सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।